हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल आरतीज लाइफस्टाइल में। आज का ये व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ। इस महीने हमारा चैनल 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर गया है। इसके लिए आप सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक चिकन सूप की रेसिपी, जो मार्केट जैसा टेस्टी लेकिन घर जैसा हेल्दी है। तो चलिए बनाते हैं चिकन सूप। मार्केट जैसा सूप बनाने के लिए आपको चाहिए 200 ग्राम बोनलेस चिकन, साबुत हरा धनिया के डंठल, एक गाजर, एक मीडियम प्याज, दो कली लहसुन की, एक इंच अदरक, साथ में चाहिए दो तेज पत्ते और कुछ गोल मिर्च। इस सूप को हम दो हिस्सों में बनाएंगे। पहले हिस्से में हम स्टॉक तैयार करेंगे। उसके लिए एक फ्राई पैन पे एक चम्मच रिफाइंड ऑयल लेंगे, उसमें डालेंगे दो तेज पत्ता और कुछ गोल मिर्च के दाने। अब सब्जियों की बारी। मैंने डाला एक कटा हुआ मीडियम प्याज, कुछ टुकड़े गाजर के, दो कली लहसुन की और एक इंच करीब अदरक। ये डाला मैंने 200 ग्राम बोनलेस चिकन। आप चाहें तो साबुत चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जी और चिकन के रंग बदलने तक ही हम इसको सौटे करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे इंग्रेडिएंट्स का रंग थोड़ा बदल गया है। अब हम डालेंगे इसमें साबुत धनिया के डंठल। इस स्टॉक को तैयार करने के लिए हम बहुत सारी वेजिटेबल्स अपने मनमर्जी का डाल सकते हैं। जितना वेजिटेबल हम डालेंगे उतना ही ये ज़्यादा और हेल्दी बनता जाएगा। अब हम डालेंगे इसमें लगभग 1 लीटर पानी। अब पैन को ढक दें और पानी के उबाल आने तक का इंतज़ार करें। जब पानी उबलने लगेगा, इस पे एक और चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। इस तरह का स्कम पानी के ऊपर आपको दिखाई देने लगेगा। लैडल की मदद से आपको इस स्कम को निकाल के फेंकना पड़ेगा, नहीं तो सूप का टेस्ट गड़बड़ा सकता है। जब आप इस झागनुमा चीज़ को अपने सूप से इनिशियल स्टेजेस में ही निकाल देंगे तो आपका सूप बहुत ही लाइट और बहुत टेस्टी बनेगा। मार्केट में इंस्टेंट सूप्स तो बहुत मिलते हैं। वो बन तो जाते हैं 2 मिनट में, पर वो न्यूट्रिशियस नहीं होते हैं। इस पानी को आपको लगभग 40 से 45 मिनट तक मीडियम आंच पर ढककर उबालना पड़ेगा, ताकि जितने भी वेजिटेबल्स आपने डाले हैं उनका न्यूट्रिशन इस स्टॉक में एब्जॉर्ब हो जाए। लगभग 45 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि पानी आधा हो चुका है। अब हमारा स्टॉक पूरी तरीके से इस्तेमाल के लिए तैयार है। आप इस स्टॉक को तैयार करके 2 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, ताकि जब भी आपको सूप बनाना हो आपने फटाफट फ्रिज में से निकाला एंड इट इज रेडी टू यूज। अब इस स्टॉक को हम स्ट्रेन कर लेंगे। हम में से बहुत से लोगों के घर में बच्चे वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं करते। अगर आप चाहें तो इसमें से कुछ वेजिटेबल्स सूप में भी डाल सकते हैं निकाल के, और अगर आप नहीं भी चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वेजिटेबल्स का सारा न्यूट्रिशन इस स्टॉक में जा चुका है और ये बहुत ही हेल्दी है। अब हम सूप के दूसरे हिस्से को बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए स्टॉक, नमक, हरी प्याज, स्वीट कॉर्न्स और काली मिर्च। जो चिकन हमने स्ट्रेन किया था उसके हम इस प्रकार से श्रेड्स बना लेंगे। अगर आपके घर वालों को इसमें से कोई सब्जी पसंद हो तो आप उसको भी निकाल सकते हैं, नहीं तो उसे आप छोड़ सकते हैं। मैं तो थोड़ी बहुत सब्जियां लेना प्रेफर करती हूँ, इससे हमारा सूप बहुत ही कलरफुल और सुंदर बनता है। सूप को गाढ़ा बनाने के लिए कॉर्नफ्लावर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है।
दो कप सूप को बनाने के लिए मैंने आधा चम्मच कॉर्नफ्लावर में थोड़ा पानी डाल के इसकी इस प्रकार से स्लरी बना ली है। अब मैंने एक पैन में एक चम्मच रिफाइंड गरम किया है और उसमें डाला है 1/4 टीस्पून ऑफ अजीनामोटो। अजीनामोटो आपके सूप को एक बहुत ही शानदार फ्लेवर देगा। थोड़ा सा इसको गरम ऑयल में चला लें और अब इसमें डाल दें अपना स्टॉक। स्टॉक डालते समय गैस को सिम पे रखें क्योंकि ये स्टॉक छिटक सकता है। इसमें अगर आप चाहें तो आप और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें ऐड किए हैं कुछ स्वीट कॉर्न्स। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो वेजिटेबल्स ऐड नहीं भी कर सकते हैं। अब बारी है मसालों की। 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट और 1/4 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर। अगर आप चाहें तो ब्लैक पेपर के साथ साथ वाइट पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टॉक में से निकला हुआ श्रेडेड चिकन और वेजिटेबल्स अब इस सूप में आप डाल दें। आप देख सकते हैं कि ये सूप काफी पतला है। इसे गाढ़ा बनाने के लिए हम डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लावर की स्लरी। कॉर्नफ्लावर डालते समय ध्यान रखें कि आप इसको थोड़ा थोड़ा करके डालें। एक साथ डालने में इसके लंप बन सकते हैं। इस चिकन सूप को और न्यूट्रिशियस और टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें एक अंडा फेंट कर भी डाल सकते हैं। इससे ये न्यूट्रिशियस तो बनेगा ही, साथ में इसका लुक भी बहुत खूबसूरत आएगा। अगर आप वेट लॉस के प्रोसेस में हैं तो आप इस अंडे के ऑप्शन को स्किप भी कर सकते हैं। सूप तो तैयार हो गया है। अब गार्निश करने के लिए मैंने इसमें डाले हैं कुछ ग्रीन अनियंस। नाउ आवर सूप इज रेडी टू सर्व। जितने प्रोपोर्शन में हमने सामान लिया है उससे हम 2 से 3 कटोरी सूप तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में इन सर्दियों में एक बार ये हेल्दी और कम इंग्रेडिएंट्स वाला टेस्टी सूप एक बार ज़रूर बनाएंगे। कमेंट सेक्शन पे मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपका ये सूप कैसा बना। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर। Thank you so much for watching.